हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव एस की स्टेडियम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सामान्य जो जानकारी होती है कि इतिहास होता क्या है, इसके किस किस ने इसको इसके बारे में जानकारी दी थी, किसने क्या पुस्तकें लिखी थी, कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी जुटाएंगे। तो अपना जो आज का पहला टॉपिक है वह राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी करें तो इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास जो मेन परिभाषा है वो है हमारे अतीत के बारे में जानकारी, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या कहलाता है? हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है इति प्लस हास। इति प्लस हास वो है ऐसा ही घटित, ऐसा ही घटित हुआ था। इति प्लस आस का अर्थ होता है ऐसा ही घटित हुआ है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, वो इति प्लस आस, ऐसा ही घटित हुआ था, और आस का मतलब घटित हुआ था। अब बात करें इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, वो है प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है मध्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है वो है आधुनिक, जो भी वर्तमान में आधुनिक ऐतिहासिक काल। अब बात करें जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो अब इसके बारे में देखते हैं हम। साफ करो, जितनी देर रोक दिया करो। रोक दिया। प्राक ऐतिहासिक काल को देखते हैं हम। प्राक ऐतिहासिक काल, इसको मध्य में लिखता हूँ, एक मिनट। प्राक ऐतिहासिक अब प्राक ऐतिहासिक काल है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। पहला है वो है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, और ये है मध्य ऐतिहासिक और ये है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक
प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम बात करें तो इसमें लिपि के साक्ष्य ही नहीं मिले, लिपि के साक्ष्य नहीं मिले, इसमें जो है लिपि के साक्ष्य नहीं मिले थे। मध्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिपि के साक्ष्य मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उनको पढ़ा नहीं जा सकता। आदित्यसिक काल की बात करें तो आदित्यसिक काल में लिपि के साक्ष्य मिले, लेकिन मिले वह उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। बात करें कि लिपि के जो ये आदित्यसिक काल में लिपि के साक्ष्य मिले थे उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, तो सर्वप्रथम उन्होंने उन्हें पढ़ा किसने, तो सर्वप्रथम उन्हें पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में, 1837 ईस्वी में उन्होंने पढ़ा। आदित्यसिक काल क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम जो लिपि के साक्ष्य मिले उन्हें जिन्हें पढ़ा जा सकता है वो कौन से काल में मिले, तो आदित्यसिक काल में मिले थे। और सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। मोटा मोटा क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें कि इस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सर्वप्रथम यहाँ से आएगा कि लिपि के साक्ष्य जो मिले थे उन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और 1837 में पढ़ा। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंदर, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, वो है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, हम ऊपर ले लेते हैं इसको भी। मैं आपको उसमें उदाहरण देना भूल गया था, कोई बात नहीं। जो ये था प्रागैतिहासिक काल, और ये मध्य ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। ये हमने देख लिया था इनकी डेफिनेशन के बारे में, अब इनके जो उदाहरण है मतलब कहाँ कहाँ से इनके साक्ष्य जो ये पता लगाया था, तो जो मध्य ऐतिहासिक काल है, एक तो प्रागैतिहासिक काल में तो आ जाएगा अपने, जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे आदिमानव, कौन से आदिमानव का संबंध किस काल से था? प्रागैतिहासिक काल से आदिमानव का संबंध था। और दूसरा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मध्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता भी इसी से संबंधित थी। और इसके अंदर हमने पढ़ लिया जेम्स प्रिंसेप वाला, और इसका उदाहरण तो शायद था नहीं, कोई उदाहरण नहीं था। और अब इसको तीन भागों में बांट दिया जाता है, वो है पूरा पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल,
उत्तर पाषाण, और तीसरा है, सॉरी, ये मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवया जो अंतिम है वो नवया उत्तर पाषाण काल, नवया उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के अंदर जो उदाहरण मिले हैं, इसके अंदर आदिमानव ने क्या कर लिया था, आग जलाना किसमें सीखा, पूरा पाषाण काल में। और आग जलाने के जो प्रथम जो साक्ष्य मिले थे वो था कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश से। अब बात करें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब बात करें वो कहाँ से मिला था, तो पहला जो पशु पाला गया था वो था कुत्ता। कौन सा था, कुत्ता। कुत्ता कैसे पाला गया था कि जो ये आग जलाकर, जो आदिमानव आग जलाकर मांस वगैरह खा लिया करते थे, उस मांस को अब वो जो हड्डियां बच जाती थी, फिर उसको कौन खाएगा, कुत्ता। तो इस प्रकार फिर वो कुत्ते को पालने लग गए थे। कुत्ते पालने के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे वो थे बागोर सभ्यता, जो कि कहाँ से संबंधित थी, भीलवाड़ा से संबंधित थी। और दूसरा जो इसका साक्ष्य मिला था वो था आदमगढ़, आंध्र प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश इससे। और नव या उत्तर पाषाण काल की बात करें, नव या उत्तर पाषाण काल में पहिए का आविष्कार, नव या उत्तर पाषाण काल, नव या उत्तर, इसमें आदिमानव ने क्या कर लिया था, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, नव या उत्तर पाषाण काल में हुआ था। जो इसके साक्ष्य मिले थे, पहिए का आविष्कार किया, इसका जो साक्ष्य मिला था वो है मेहरगढ़ पाकिस्तान। कहाँ पे मिला था, मेहरगढ़ पाकिस्तान के, इसका पूरा नाम रहने देते हैं, ये लायक नहीं है ना, पाक, मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो ये मोस्ट मोस्ट जो बातें थी, ये सामान्य जानकारी ये आपको बता दी। अब बताएंगे इसके मतलब इतिहास के बारे में, कौन किसने क्या क्या कहा, कौन सी पुस्तकें लिखी, जो भी घटनाक्रम है वो हम अब आगे देखेंगे, इसको हटा देते हैं। मेन एक और बात आती है जो चावल के प्राचीनतम, इसी के अंदर आता है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वो था कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पड़ता है ये कोल्डीहवा, इलाहाबाद यूपी। बात करें आदिमानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया था, तो वो धातु थी ताम्र धातु। आदिमानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया। अब बात करते हैं इनके लेखक वगैरह की, किसने क्या क्या कहा था, क्या क्या नहीं कहा था, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। का इतिहास है, विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो थे हेरा डोटस ने विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी।
और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। बात करें हमारे राजस्थान की, नहीं भारत की, भारत का इतिहास जो थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वेद व्यास जी द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। और इनकी पुस्तक है, वो है महाभारत। कौन सी पुस्तक है? महा भारत। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का तो आप सभी को पता ही होगा किसने की थी। राजस्थान की जो जानकारी मिलती है वो बताए थे हमें कर्नल जेम्स टोड, जिनको आपको पता ही होगा क्या, किस किस नाम से, घोड़े वाले, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1839 के अंदर। और इन्हीं इसी पुस्तक का एक भाग और है द सेंट्रल वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ, वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान, जो ये लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1832 में, ये लिखी गई थी 1832 में। अब जो बात करें राजस्थान को, हमारे राजस्थान को जो संवैधानिक मंजूरी मिली थी, राजस्थान नाम को संवैधानिक मंजूरी वो कब मिली थी? वो जो राजस्थान नाम को संवैधानिक मंजूरी मिली, वो मिली 26 जनवरी 1950 को। बात करें जो ये हमारे कर्नल जेम्स टोड है, इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु थे जैन यति ज्ञान चंद्र। और जो कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकें थी, एक तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी गई थी, दूसरी द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया जो राजपूत, ये 1832 में लिखी गई थी। लेकिन जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, इसका, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद जो किया था वो किया था हमारे राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, उनके द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। और अपने जो राजस्थान को एक नाम और दिया गया है राजपुताना, तो राजपुताना ये नाम किसने दिया? तो ये जो राजपुताना नाम है, ये जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया। और जो इनके, और ये जो इनकी पुस्तक थी, इनके मित्र थे, उसने इनकी जो एक पुस्तक लिखी थी जॉर्ज थॉमस, द जॉर्ज थॉमस, उसके अंदर इन जो वो लिखी किसने थी, इनका मित्र था, उसका नाम था विलियम फ्रैंक लिन, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो आज हमने देखा राजस्थान के इतिहास के बारे में, जो मेन मेन जो टॉपिक होता है वो हमने बता दिया है इसके अंदर, विश्व का इतिहास, हेराडोटस स्टोरी का, भारत वेदव्यास जी ने।
महाभारत लिखी, राजस्थान द कर्नल जेम्स टोड द एनाल्स एंड फिफ्टी जिनकी पुस्तकें हैं, गुरु जैन यति ज्ञान चंद्र थे, राजपूतों 1418 ईस्वी में दिया, मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन। तो आज हमारी क्लास है वो यहीं तक है, कल हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएँ, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के अंदर जो भी होगा वो हम देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।